अच्छा मोटापे की वजुहत क्या होती हैं आने की वजुहत क्या होती हैं देखिए जी मोटापा आजकल जैसा हमारा है जैसे अभी आप आपने कहा कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है हुँ. तो हमारी बहुत सारी डेस्क जॉब्स हैं इसके अलावा भी घर भी आए तो टेलीविजन खोल लिया या मोबाइल खोल लिया तो बैठे टेलीविजन कहाँ खोलता जी तो या खाना खाना शुरू कर दिया या बस बैठे रहे कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है सबसे पहले तो मोटापा यहीं से शुरू हो जाता है आपकी सीडेंट्री लाइफ से फिजिकल एक्टिविटी के ना होने से दूसरा हमारा फूड फूड में हम आ, देखे और सोचे बगैर खाते हैं और पोर्शन कंट्रोल नहीं करते आई टोटली अग्री आपने जैसे बात की कि, कि सब चीज़ें खानी चाहिए हर चीज़ ज़रूरी है हमारे लिए हर चीज़ दुनिया की बेस्ट डाइट वो है दैट बी एनी डाइट दुनिया की सबसे बेस्ट डाइट वो है जिसके अंदर आपके पास काब्स भी होने चाहिए आपके पास प्रोटीस भी होने चाहिए आपके पास गुड फैट्स भी होने चाहिए ये सारी की सारी चीज़ें इसमें शामिल होनी चाहिए जी प्लीज़ बिल्कुल सारी चीज़ें खानी चाहिए लेकिन पोर्शन कंट्रोल के साथ अगर आप बड़ी प्लेट में खाना खाते हैं तो क्वार्टर प्लेट में आ जो छोटी प्लेट है उसमें खाना खाएं। पोर्शन कंट्रोल के साथ खाना खाएं या इंटरमीडेंट फास्टिंग करें मतलब एक तो भूख रख के खाएं और दूसरा आपका बारह से चौदह घंटे के लिए पेट खाली रहना चाहिए ताकि वो सारा खाना एब्जॉर्ब हो जाए और एक्स्ट्रा फैट्स भी मोबिलाइज हो जाए आपकी बॉडी से फिर आप नेक्स्ट मील लें जी अच्छा अक्सर लोग ना इस बात को मानते नहीं हैं बट प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस ये जो इंटरमीडियंट फास्टिंग है ये बड़ी कमाल चीज़ है बहुत कमाल चीज़ है बहुत कमाल चीज़ है लेकिन आपको खाना सब कुछ चाहिए आपने डाइट नहीं कर ऐसी डाइट नहीं करनी है जो आपके लिए आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का बायस हो

एक होता है फैट लॉस एक होता है लॉस। जब आप बहुत तेजी से कम करते हैं, तो होता चर्बी कम नहीं हो रही होती आपके पटे जो हैं वो कमजोर हो रहे होते हैं तो उस तरफ नहीं जाना आपके। हुँ, हुँ. अच्छा हमने कुछ वॉक स्पॉप किए हम लोगों के पास गए हमने लोगों से पूछा तो पहले आपको वो दिखाते हैं, फिर इसके बाद -बाद को तो <laughs> तो तो हाँ इसलिए जो एक्टिव है वो कर लेते मोटापा इसलिए कम नहीं होता है की हम पाकिस्तानियों ने बस यही काम खड़ा हुआ फास्ट फूड फास्ट फूड फास्ट फूड मोटापा कम हो सकता है अगर आप अपना स्केजुअल अच्छे तरीके से बनाएं लेकिन अगर आपके पास टाइम का बर्ड काम का बर्डन हो ठीक है तो उसमें फिर मुश्किल हो सकता है मोटापा कम करने वाली चीज़ ही नहीं है क्योंकि दुकानदार तो देखे सारा दिन बैठा रहता है यहाँ पे और बैठ बैठ के तो हर बात उसने मोटा ही होना है पतला तो होने से रहा वो सामने समोसे की दुकान है खाते जाओ तो मोटे होते जाओ ती चार पाँच भरावान सारे ही मोटे हैं ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ ਖਾਂਦੇ ਪਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਸ ਕਾਮ ਬੈਠਨੇ ਕੇ ਆਪ ਕੀ ਕਰੇ ਉਪਰ ਤੇ ਖਾਤੇ ਤੋ ਜਾਣਾ ਹਮਨੇ ਮੋਟਾਪਾ ਇਸ ਲਈ ਕਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਮਾਰੇ ਫਰਾਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹਮ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਸੋਏ ਰਹਤੇ ਹੈ ਨਾ ਮੋਟਾਪਾ ਹਮ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਹੀ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਖਾਤੇ ਵੀ ਤੇ ਘਰਾਨੋ ਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਓਵਰ ਹੋ ਰਹਾ ਵੇਟ ਤੋ ਫਿਰ ਰਾਤ ਕੋ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਸੀ ਡਾਈਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੇਤੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਬਤਾ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ जॉगिंग भी कर रहा हूँ हाँ राइट जी वंस अगैन वेलकम बैक जरा मुझे ले लीजिएगा इसक्रीन पर लीजिएगा और मुझे फॉलो कीजिएगा फॉलो करेंगे सर फॉलो करेंगे ना हाँ मैं उठूँगा फॉलो कीजिएगा फॉलो कीजिएगा मुझे उठ जाऊँ और राइट थैंक यू वेरी मच मुझे फॉलो कीजिएगा तुम ना मोबाइल मुझे दे दो मैं ना मतलब कमाल आदमी है ये अगर इसका मोबाइल ले लिया जाए तो ये जिंदा नहीं रहेगा आज मैं चाहता हूँ तू बेहोश हो जा मैं चाह रहा हूँ मतलब एक आदमी है चिल किए बैठा है हम यहाँ शो कर रहे हैं परेशान हो रहे हैं मोटापा कैसे कम होगा वॉक स्पॉप चला दो ये कर दो वो कर दो एक आदमी टांग पे टांग रखे ना उसको कोई पता नहीं उसने कैमरा लगाया हुआ उलझ बाढ़ में जाओ शो कर रहे हो तो मैं क्या कर सकता हूँ मेरा तो काम ही नहीं है शो करना कैमरा फिक्स हुआ हुआ है अगर कान में मेरे कोई आवाज़ आ गई तो मैं उठ जाऊँगा वरना मैं ग्यारह बजे अब।, अब ये यहाँ से हिलेंगे नहीं फोन ये यहीं रहेंगे और काम करो उठ के शॉट्स बना बना के उनको दो दानी को दो देर यू गो और तुम में से अगर कोई मुझे नजर आया ना फोन पे फिर देखना फिर देखना मुझे समझ में नहीं आता दावतों में बैठे होते हैं एंड यू हैव योर फोन आप किसी जगह जनाजों पे बैठे हुए हैं एंड देर टेकिंग सेल्फीज मतलब कोई भी बुरा मान सकता ना इस पे सलामकुम जी आप नाम। जी आपका नाम मेरा नाम आसिया मुल्तान से बात कर रही हूँ मैं हाँ जी आसिया तो मेरा वेट मेरा वेट सौ केजी है 100 केजी तो मैं काम कर हाँ जी हाँ जी काम करने की कोशिश करती हूँ तो मेरे वो पट्ठों का मसला होता है मेरे पट्ठे कमजोर हो जाते हैं मैं खाना पीना भी नहीं छोड़ सकती मेरे मोरों का मसला है तो मैं ज्यादा चल भी नहीं सकती इसके लिए क्या करना चाहिए मुझे एक तो दूसरी बात ये है मैंने आपको पहले भी कॉल की थी बड़ी रिक्वेस्ट की थी बच्चों के लिए मेरे बच्चे चाइना में हैं, हैं परेशान हैं। कर, अच्छा, तो कर लिया बंदा जो कोशिश कर सकता है और आपके बच्चों का वो मसला जो है वो किसी हद तक हल हो सकता है अच्छा मैं आपको बताऊँ देखिये वहाँ चुके हमें से कोई नहीं है लेकिन मेरे एक दोस्त है डॉक्टर दानियाल उनका नाम है वो रशिया चाइना में रहे हैं और बहुत उनके पर हैं, हैं तो उनके थ्रू हम आपकी मदद करेंगे, थोड़ा सा वेट कर कर, कर कर लीजिए, मैं उनको लोकेट कर, मैं लोकेट कर लिया। उनको उनको मैंने लिया, देता हूं। फिर इसके बाद देखते कि क्या होता है। 100 kg वेट है, कैसे कम किया जाए इसमें का पता होना बहुत ज़रूरी है। आप हाइट के के से के? हाइट क्या? जी, कितने सॉरी hmm. अच्छा जी जैसे आइडली हंड्रेड के जीज वेट हो और अगर हाइट यूजली हमारी फीमेल्स की हाइट फाइव फीट से लेके फाइव फोर फाइव थ्री के राउंड अबाउट एवरेज हमारी हाइट इतनी होती है तो ये बी बनता है आपका थर्टी प्लस थर्टी प्लस बी एम आई पर रिकमेंडेड है वेट लॉस सर्जरी ये कहती हैं इंटरनेशनल ओके क्योंकि इतने वेट लॉस को आप डाइट के थ्रू या लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू कम नहीं कर पाएंगे तो इसमें डाइट और उसका रोल तो है ही लेकिन वेट लॉस सर्जरी जो है वो रिकमेंडेशन है थर्टी प्लस जो बी एम आई है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं हाइट और वेट के अकॉर्डिंगली okay. तो उसमें आप आ, थ्री टू तो सिक्स मंथ्स में ट्वेंटी टू तो थर्टी के जीज़ आराम से लूज़ कर लेते हैं और जिस तरह से इनको प्रॉब्लम है कि पट्टे कमज़ोर होने की प्रॉब्लम भी नहीं होती और साथ ही जोड़ों के मसले ख़त्म हो जाते हैं अगर डायबिटीज़ है जोड़ों के मसले कभी खत्म नहीं होते